नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये धान का पौधा है, किस तरीके से जो कीड़े इसमें लग चुके हैं, जो पूरा पौधा रोपाई के बाद जो है पूरा पौधा सूख जा रहा है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपने फसल को बचाने के लिए किसान भाइयों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह है टर्मिन GR जो कि पिप्रोनिल है। किसान भाई यहाँ पर आप लोग देख रहे थंबनेल पर, इस प्रकार से अगर आपके धान में पौधे काट रहे हैं या पूरा पौधा सूख जा रहा है तो इस दवा का आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है किसान भाइयों। इसे प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों आपके खेत में पानी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बुआई इसे करते हैं खाद में मिलाकर या वैसे ही आप बुआई करते हैं तो खेत में पानी रहना ज़रूरी है। जब आपके खेत में पानी रहेगा तभी ये दाना गलेगा, जब गलेगा तभी ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। और आप लोग यहाँ इसका दाना भी देख सकते हैं, इसका दाना इसी कलर का रहता है, थोड़ा दानेदार में है, जो कि आप लोग यहाँ पर हमारे हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका दाना इसी प्रकार से रहेगा। अगर आपको एक बीघे में इस्तेमाल करना है तो 2 किलो का प्रति बीघा जो है आप इसे बुवाई कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ इसका पौधा देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा पौधा जो सूख चुका है। यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा पौधा सूख गया है। इसके तन के छेदे में किसान भैया जो है कीड़े लग चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कीड़े लगने की वजह से किसान भाइयों ये हमारा पौधा सूख जाता है। और यहाँ पर बगल में देख सकते हैं किस प्रकार से पौधा हरा भरा है। ये रोग किसान भाइयों आपको रोपाई के कम से कम 10 से 15 दिन के बीच में दिखेगा। अगर आपके खेत में ऐसे भी है, इसी प्रकार से आपके खेत में जो कीड़े लग रहे हैं, तो आप लोग इसे सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पूरे पौधे को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर उपयोग करें। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पौधा जो है ज़मीन से चिपक गया है, यानी जो कीड़े काटे हैं वो पूरा पौधा सूख चुका है। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि हरा भरा है, उसमें कीड़े नहीं लगे हैं, तनछेदक कीड़े नहीं लगे हैं। और जिस पौधे में किन तनछेदक कीड़े लगे हैं वो पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पौधा सूख चुका है। तो किसान भाइयों आप लोग जो है पिप्रोनिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो हाथ में पौधा है, एक पौधा हरा भी है और एक पौधा सूखा भी है, इसी प्रकार से भी कीड़े लगते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पौधा जो है यहाँ पर सूख चुका है, और उस पौधे से हल्का सा सूखा वो भी काट चुके हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे फसल को नुकसान करते हैं ये तनछेदक कीड़े। तो इसे बचाने के लिए किसान भाई पिप्रोनिल का ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो किसान भाई पिप्रोनिल का इस्तेमाल किए हैं वो अपना कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें कि ये कैसा काम करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कृषि से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।